सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट के एक और नए एपिसोड में। तो यार, लास्ट वाले एपिसोड में मैं गया था माइनिंग करने के लिए, और वो माइनिंग अपने लिए इतनी सक्सेसफुल थी ना कि भाई देख सकते हो, रेडस्टोन इतना सारा, लैपिस, कॉपर, और सबसे मेन चीज़ जो है, टोटल 13 डायमंड्स अपने को यहाँ पे मिल चुके थे। तो मैं उन डायमंड्स से कुछ पिकैक्स वगैरह बना लेता हूँ। सबसे पहले स्वॉर्ड बना लूँगा एक, उसके बाद पिकैक्स, ये रही पिकैक्स। ओके, तो अपने पास टोटल 8 डायमंड अभी बचा हुआ है। तो मैं जो सामान बचा हुआ है ना, उन सारा सामान को यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, रख दे रहा हूँ। जो सामान अपने को नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, तो हाँ, आयरन तो चाहिए रहेगा यार। मैं भी आयरन का हर जगह पे ज़रूरत मिलता है यार। और हाँ, मेरे ख्याल से एक बो बना लेना ठीक रहेगा यार, क्योंकि बो की ज़रूरत बहुत सारे जगहों पे पड़ती है। तो मैं एक बो बना लेता हूँ, ठीक है। ओके, बो बना लिया, और एरो तो है अपने पास पहले से ही। ओके, तो आयरन फार्म बनाना है, ठीक है, अपने को। आज का अपना गोल है कि आज हम लोग बनाएंगे आयरन फार्म। तो आयरन फार्म बनाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए रहेगी। तो इस वाली जगह पे मैंने बनाने का सोचा है। तो भाई, इस वाली जगह पे थोड़ा सा प्लेन करने वाला था, मैं थोड़ा सा प्लेन कर भी लिया है, थोड़ा सा और प्लेन करता हूँ, एकदम से प्लेन ये जगह मैं कर देता हूँ, और तुम लोगों से मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है। और गाइज, एक मज़ेदार चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे हो रही बारिश, और मैं थोड़ा सा यास रखता हूँ ना, तो यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है। ऐसा भी होता है क्या भाई माइनक्राफ्ट में? ये देखो, यहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे एकदम सूखा पड़ा हुआ है भाई, एकदम। ऐसी भी चीज़ें होती है क्या यार? ऑल राइट गाइज, टोटल हाफ आवर लगा कि मैंने ये वाला एरिया इतना सारा प्लेन कर दिया है यहाँ पे। और जब तक ये एरिया प्लेन हो रहा था, तब तक मैंने फर्नेस में थोड़ा सा आयरन भी बनाने के लिए रख दिया था, ठीक है। सो आयरन भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। और यहाँ पे अपने को एक खड्डा बनाना है, ठीक है। गड्ढा ऐसा बनाना है, 6x7 का गड्ढा बनाना है, 6x7 का बनाना है, और 2 की डेप्थ होगी, ठीक है। दो लेवल का खड्डा होगा, वो 2 ब्लॉक्स के लेवल का। सो मैं फटाफट से बना लेता हूँ, ठीक है। अरे कहना क्या चाहते हो? और गाइज, इस फार्म के लिए हमें कुछ विलेजर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इन विलेजर्स में थोड़े से बेड पड़े होंगे ना, जिसमें विलेजर्स सोते हैं, उनके बेड्स में तोड़ूंगा सबसे पहले, और उन बेड्स को तोड़ के मैं अपने फार्म के पास में लगा दूंगा, ठीक है, ताकि विलेजर्स यहाँ से उठ के वहाँ तक आ सके। थोड़ी सी आसानी होगी यार, इससे थोड़ी सी अपने को आसानी होगी। सो ओके गाइज, मैंने यहाँ पे 6x7 का 2 ब्लॉक्स की डेप्थ का एक गड्ढा मैंने यहाँ पे बना लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे 2 ब्लॉक छोड़ के 3x3 का बना लेना है, ठीक है। 3x3 का बनाने के बाद इसके डेप्थ अपन करेंगे 4 ब्लॉक की, ठीक है। टोटल 4 ब्लॉक की डेप्थ करनी है अपने को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हो गई 2 ब्लॉक्स 3 ब्लॉक्स 4 ब्लॉक्स, और यहाँ पे फोकट का आयरन भी मिल चुका है अपने को। लेट्स गो। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक गड्ढा भी बना लिया है। इस गड्ढे को बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, इसे थोड़ा सा तोड़ूंगा, ठीक है, 2 ब्लॉक की जगह पे। ऐसा करने के बाद ऊपर से भी सेम ऐसा ही करूँगा मैं, और उसके बाद थोड़ा सा स्टेयर्स टाइप का बनाऊँगा। ये देखो, यहाँ पे मैंने ऐसे स्टेयर्स टाइप का बना दिया है, सेम ऐसा ही, ठीक है, देख रहे हो सेम कैसा बनाया है मैंने। और विलेजर्स वाला अपन ने सीन करा था ना, तो यहाँ पे रात हो चुकी है, और यहाँ पे विलेजर्स आए या फिर नहीं सोने के लिए। लेट्स गो, एक विलेजर्स तो यहाँ पे आ चुका है। एक और विलेजर्स चाहिए अपने को, उसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके गाइस, फार्म बनाने के लिए अपने को बेड भी चाहिए रहेंगे। तो बेड्स लेने के लिए भाई, यहाँ पे अपने घर के पास ही थोड़ी सी शिप्स पड़ी हुई थी, तो मैंने उन शिप्स से इतना सारा वूल कलेक्ट कर लिया है। और भी शिप्स यहाँ पे है, तो उनसे और भी अपने को वूल मिल जाएगा, तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वूल। ऑल राइट गाइस, तो इन शिप्स से मुझे टोटल 9 वूल मिल चुका है। तो बेड बनाने की रेसिपी कैसी है भाई, मैं तो भूल गया। ये रहा बेड, 3 बेड की ज़रूरत है ना अपने को टोटल। हाँ, इतना वूल तो इनफ हो गया भाई, 1, 2 और ये 3।
ओके, तो इसके बाद क्या करना है, इन बेड्स को लेना है अपने को ऐसे। तो इन बेड्स को लेके यहाँ पे ऐसे गलत प्लेस किया है मैंने, ऐसे प्लेस करना है। ठीक है, ओके, तो सेम ऐसे अपने को बेड को यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो ओके गाइस, इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक स्लैब लगाना है, यहाँ पे एक स्लैब लगाना है, उसके बाद एक ब्लॉक यहाँ पे प्लेस करना है, उसके बाद कुछ स्लैब्स लेके यहाँ पे एक लगाना है, उसके बाद इसी के नीचे एक ऐसे लगाना है। ठीक है, उसके बाद इसको तोड़ देना है ऊपर वाले को। हाँ, एकदम बराबर लगाए। ठीक है, ये वाला एकदम बराबर ट्रैप डोर यहाँ पे लगाए। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी टॉर्चेस भी अपने को प्लेस कर देने हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई मॉब्स वगैरह स्पॉन ना हो। तो यहाँ पे टॉर्चेस लगाने के बाद एक यहाँ पे बोट रख देने हैं, इसके अंदर जोम्बे आके बैठेगा। ठीक है, जोम्बे आके इसके अंदर बैठेगा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एक ब्लॉक्स प्लेस कर देता हूँ, और उसके बाद एक दो ट्रैप डोर लेके यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। ठीक है, ऐसे। हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे विलेजर्स लाने हैं। ठीक है, 2-3 विलेजर्स इसके अंदर डालने हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा ये थोड़ी देर के लिए निकालना पड़ेगा यार, ताकि इसके अंदर विलेजर्स जा पाए। ओके, तो अपना दूसरा वाला विलेजर कहाँ पे, यहाँ पे बेड है ना, तो ये यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है। ओके, तो मैं एक और बेड यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ इसे, और इस वाले बेड को तोड़ देता हूँ ताकि वो उस वाले बेड की तरफ जाए। लेट्स गो। उसके बाद इसको तोड़ने के बाद अंदर जाएगा ये। हाँ, चला गया अंदर भाई। लेट्स गो। एक विलेजर्स तो अपना यहाँ पे आ चुका है, एक और विलेजर अपने को यहाँ पे लाना है। ठीक है, तो बेड कहाँ पे है दूसरा वाला। हाँ, ये रहा, 2 बेड है अपने पास। सो मैं फटाफट से दूसरे वाले विलेजर को भी यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, सो ऑल राइट गाइस, टोटल 3 विलेजर्स को मैं यहाँ पे ला चुका हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़े से डर्ट ब्लॉक लेने हैं। डर्ट ब्लॉक लेके इस वाली जगह को अपने को फील कर देना है। ठीक है, सो इसको मैंने कर दिया फील। उसके बाद यहाँ पे सेम ऐसे गड्ढे बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ज़रूरत रहेगी थोड़े से हॉपर्स की, तो मैं फटाफट से हॉपर्स बना के लाता हूँ। तो यार, सबसे पहले अपने को हॉपर्स लेके आने हैं। हॉपर्स को कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर देना है, उसके बाद ऊपर जाके क्या करना है, शवल लेके, यस सेम ऐसा अपने को थोड़ा सा डिग करना है। हाँ, अच्छा, एक ब्लॉक गलत हो गया मेरे से, डिग यहाँ पे वाला। सो कुछ इस तरह से डिगिंग करने के बाद यहाँ पे स्टेयर्स टाइप का बनाना है अपने को अभी। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टेयर्स टाइप का बना लिया है। उसके बाद 2 चेस्ट अपने को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देनी है, और चेक करते हैं यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। लेट्स गो, ये वर्क कर रहा है अभी। और यहाँ पे नाइट हो चुकी है, तो भाई नाइट होने के बाद अपने को क्या करना है, इस वाली जगह पे अपने को ज़ॉम्बी ला के डालना है। ठीक है, तो ज़ॉम्बी ला के डालने के लिए यहाँ पे ट्रैप डोर अपने को लगाना पड़ेगा, सेम इस तरह से। और एक यहाँ पे भी लगा देता हूँ ताकि ज़ॉम्बी यहाँ से गिर सके। ठीक है, तो करते हैं ज़ॉम्बी आने का वेट। यहाँ पे 2 ज़ॉम्बीज मेरे पीछे लग चुके हैं, तो मैं इनको भागा भागा के अपने फार्म के पास लेके आ रहा हूँ। आ जाओ यार भाई, तू क्या कर रहा है, स्केलेटन। अबे भाई, मैं तो मर जाऊंगा यार ऐसे। तो जल्दी से खाना खा लेता हूँ भाई। अरे अरे अरे, चलो उन दोनों में झगड़े लग गए, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी की जरूरत है ना। अबे कौन मार रहा है ये, अबे मकड़ी साली। ओके, तो मेरी हेल्थ कुछ ज़्यादा ही कम हो चुकी है, तो मैं खाना भी खा लेता हूँ साथ ही साथ, और एक ज़ॉम्बी को मार देता हूँ। ठीक है, अपने को सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी की ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नहीं, अपने से एक रह गया था, तो यहाँ पे एक गड्ढा भी बनाना है अपने को। हाँ, अभी ज़ॉम्बी को गिराना है। लेट्स गो, ज़ॉम्बी यहाँ पे गिर चुका है।
तो इसके बाद यहाँ पे इन ट्रॉप ट्रैप डोर्स को यहाँ पे करना है अपने को बंद। ओके तो देखो भाई ज़ोंबी वहाँ पे जाती है, अपना आयरन गोलन यहाँ पे स्पॉन हो चुका है और वो ज़ोंबीज डर रहे या फिर नहीं, वो बोट में जाके बैठा क्या? हाँ बोट में जाके बैठा है। तो अपने को जो करना था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद क्या करना है, वाटर बकेट लेनी है। तो भाई उससे पहले थोड़ी सी रात हो चुकी है तो मैं सो जाता हूँ। और भाई सामने एक क्रीपर है, भाई सोना तो पड़ेगा, भाई सामने एक क्रीपर है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे चार ब्लॉक्स ऐसे प्लेस कर देने हैं, उसके बाद कुछ स्लैब्स भी प्लेस कर देने हैं ऐसे। हाँ तो इसके बाद क्या करना है, थोड़े से साइन बोर्ड लेके कुछ इस तरह से लगा देने हैं, या यहाँ पे एक यहाँ पे, उसके बाद दो नीचे। ओके और भाई ये देखो आयरन गोलम कहाँ पे स्पॉन हो रही है। ओके तो यहाँ पे भी एक लगाना है सेम ऐसे। उसके बाद थोड़ी सी हाइट पे जाके, हाँ ऐसे हाइट पे जाके कुछ साइन बोर्ड यहाँ पे भी लगा देने अपने को ऐसे ऊपर। लेट्स गो, ये वाला काम अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो क्या गाइज, हमें थोड़े से लावा की भी ज़रूरत होगी यहाँ पे डालने के लिए। और आयरन गोलम देखो कहाँ पे स्पॉन हुए जा रहे हैं, तो अपने को थोड़ा सा लावा चाहिए। और भाई लावा मेरे को जहाँ तक याद है कि अपने घर के पीछे ही एक थोड़ी सी गुफा टाइप का है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लावा था मेरे को थोड़ा सा याद है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे लावा है या फिर नहीं अभी के लिए। तो हाँ ये देखो यहाँ पे लावा है, मैंने बोला था भाई यहाँ पे लावा है। अबे ये क्या कर रहा है यहाँ पे नूबड़ा, मरा क्यों नहीं भाई ये दोपहर के लिए? अबे अबे अबे, अबे, अबे ओ भाई मर जाता अभी तो मैं। ओके तो यहाँ से एक बकेट लावा, दूसरा बकेट लावा और थोड़ा सा लावा है क्या इधर? हाँ लावा तो इधर बहुत सारा है भाई। ओके तो दो लावा बकेट मैंने अपने घर के पीछे से ला लिया है, तो यहाँ पे ऐसे डालना है। उसके बाद वहाँ पे पानी वापस से डालते हैं अपन, ठीक है? तो पानी हमें मिलेगा यहाँ पे, लेट्स गो। अपने घर के पास तो सब कुछ है यार, सारी चीज़ें घर के पास से मिल जाती है भाई अपने को। पानी चाहिए पानी मिल जाता है, लावा चाहिए लावा मिल जाता है भाई। अपना घर बहुत ज़्यादा तगड़ी जगह पे बना यार, इसी वजह से मैंने बोला था भाई अपने को घर बनाना है तो विलेज के पास। ओके तो एक और वाटर बकेट यहाँ पे मैंने डाल दिए और ये देखो कैसा मर रहा है, लेट्स गो। और यहाँ पे अपना आयरन फार्म थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक तो लास्ट के काम बाकी, ठीक है? ओके तो एक लास्ट वाला काम हमें क्या करना है, इसके पास से ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः सात, ओके सेम ऐसा हर साइड से करना है अपने को, ठीक है? एक दो तीन चार पाँच छः सात, इस साइड से भी एक दो तीन चार पाँच छः सात, यहाँ से करना बाकी रहेगा है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो भाई सेम ऐसा ही अपने को पूरा स्क्वायर बना लेना, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ऐसे यहाँ तक, टोटल अपने को एक स्क्वायर बना लेना है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक टोटल स्क्वायर बनाने के बाद। और मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा डर्ट भी लगाना पड़ेगा अपने को, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है भाई? ओके तो गाइस अभी तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैसा बनाया है। ऐसा बनाने के बाद ये देखो पूरा का पूरा एक स्क्वायर टाइप का बना लिया है। अंदर तक लेके जाना है इसको, पूरा का पूरा मतलब एकदम से छील देना है भाई, पूरा का पूरा ये स्क्वायर के अंदर का पूरा छील देना है भाई अपने को इसे। ओके तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से पूरा छीलने के बाद। ओके तो ऑल राइट गाइज, मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी जगह को छील दिया है। और भाई ये आयरन गोलम कहाँ पे घुस गया भाई, व्हाट ये क्या चीज़ है भाई? अच्छा यहाँ पे मर गया, लॉल। और भाई एक ऐसा सीन है, जब तक मैं इस आयरन गोलम को नहीं मारूंगा ना तो यहाँ पे आयरन गोलम अच्छे से स्पॉन नहीं होंगे, ठीक है? तो मुझे क्या करना होगा, एक दो तीन ऐसे तीन चार, ओके चार ब्लॉक्स के हाइट पे मैं यहाँ पे जाता हूँ। उसके बाद आयरन गोलम को ऐसे मार के नज़दीक लाता हूँ। उसके बाद हाँ इसकी पेलम पाली कर दो भाई। अरे ये आयरन गोलम यहाँ पे कैसे स्पॉन हो गया भाई?
अच्छा यहाँ पे जमीन छिली हुई नहीं है भाई, यहाँ पे जमीन छिली हुई नहीं भाई, इस वजह से आयरन गोलम वापस स्पॉन हो गया। तो मैंने यहाँ पे जमीन छील दी वापस से। और भाई आयरन गोलम सॉरी यार, तेरे को मरना पड़ेगा। ओके तो थोड़ी देर के लिए अपन AFK रहेंगे और देखेंगे अपने को टोटल कितना आयरन मिलता है। तो भाई मैं जाता हूँ अपने घर के लिए, और घर के पास थोड़ी देर के लिए AFK रहेंगे, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, हाँ इसको ओपन कर लेते हैं, नहीं, इसको बंद ही रखते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए AFK हो जाता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर AFK होने के बाद, और चेक करेंगे अपने पास टोटल कितने आयरन आ चुके हैं आयरन फार्म से। ओके सो ऑल राइट दोस्तों, मैं टोटल 15 से 20 मिनट के लिए अपने घर में AFK चला गया था, और अभी देखते हैं भाई अपने आयरन फार्म से कितना आयरन मिलता है अपने को 15 से 20 मिनट में। ओके तो यहाँ पे आयरन गोलम वापस से स्पॉन हो चुका है, देख सकते हो तुम लोग। ओ माय गॉड, टोटल अभी 2 स्टैक होने वाले हैं भाई, 100 प्लस भाई, 120 प्लस। ये देखो अगर ये ज़ोंबी मरेगा ना, ये आयरन गोलम मरेगा ना, तो टोटल 2 स्टैक हो गए। देखो 2 स्टैक यहाँ पे हो चुके हैं अपने 15 से 20 मिनट में। सो यार यही थी आज की वीडियो। आप लोगों को ये आयरन फार्म कैसा लगा मेरे को कमेंट में जल्दी से बता देना, और नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम लोग क्या करें इसका भी आइडिया तुम लोग मुझे देना, ठीक है। इसका भी आइडिया तुम लोग दो मुझे, और भाई मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो गाइज अपना, बाय बाय।